हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आसिम और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मोबिलिंक यूज़र जो हैं मोबिलिंक की किस तरह से कॉल हिस्ट्री पता लगा सकते हैं। ये तरीका जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे आप अपनी या किसी की भी इस कॉल हिस्ट्री, आपकी किस कॉल पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, आपके किस मैसेज पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, या आपने जो डाटा यूज़ किया है उस पर कितने पैसे यूज़ हुए हैं, ये सब आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही ये भी बताऊँगा कि आप किस तरह से ये पता लगा सकते हैं कि आपके नंबर पर इस वक्त कौन कौन से पैकेजेस लगे हैं हुए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसका आपने जो है डाटा हिस्ट्री, कॉल की हिस्ट्री और रिचार्ज हिस्ट्री वगैरह, आपने सारी हिस्ट्री चेक करनी है। वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए। आप किसी का भी इसी तरह चेक कर सकते हैं कि उससे आप एक मिनट के लिए मोबाइल ले लें और फिर आप उसका जो है कॉल हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं। तो आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है मोबिलिंक ई केयर। तो आप जैसे मोबिलिंक ई केयर टाइप करेंगे, आपके पास इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे लॉगिन मोबाइल कनेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास इस तरह का एक न्यू पेज ओपन होगा। आपने यहाँ से अपना नंबर, जो मोबाइल नंबर है वो टाइप कर देना है, जैसे मैंने ये कर दिया, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपके पास इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा। आपने यहाँ पर रिप्लाई करना है 1 टाइप करके। 1 मीन यस और 2 मीन नो। तो मैंने जैसे यस पे क्लिक किया, मेरे पास एक और मैसेज आ गया, थैंक यू। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और ये हमारी जो है, हम ई केयर, मोबिलिंक ई केयर के साथ लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये मेरा आज नेट थोड़ा सा स्लो, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्लो चल रहा है। तो ये देखें जनाब, ये वेलकम टू, जिसके भी नेम पर ये आपकी सिम रजिस्टर्ड होगी उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ये आपका अवेलेबल क्रेडिट है 51 रुपये, और ये आपके पास SMS और 3G की 61 MB जो 3G का डाटा है मेरे पास। और इसके अलावा यहाँ पे आप, हम आ जाते हैं मेन चीज़ की तरफ। तो यहाँ पे इस पर आप यूसेज हिस्ट्री पे क्लिक कर दीजिएगा। ये यूसेज हिस्ट्री लास्ट 7 डेज़ की अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देखें, हमारे पास वो सारी हिस्ट्री आ गई जो हमने कॉल की हैं या हमें रिसीव हुई हैं या हमने की हैं। ये देखें उसके चार्जेस, ये कॉल, और ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी कॉलें हुई होंगी या डाटा हमारा जो है यूज़ हुआ होगा, उसकी सारी बैलेंस की डिटेल सब कुछ आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से रिचार्ज की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, आपने रिचार्ज कब किया है। तो रिचार्ज की हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पे आप रिचार्ज नंबर, रिचार्ज हिस्ट्री पे यहाँ पे आके हम क्लिक करते हैं तो ये आप रिचार्ज की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप इसको PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो लें जी, मैंने पहले बताया आज मेरा नेट स्लो है, सिग्नल बिल्कुल ही वीक है। बहरहाल इस हमारा जो मेन टॉपिक था कि किस तरह से हम यूसेज हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री वगैरह निकाल सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया।
तो ये थी जनाब आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।